सो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि आप कैसे अपने वेबसाइट पर एड्स सेल करके अर्निंग कर सकते हो। अब ये तो आप सभी को पता है कि हम अपने वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए गूगल एडसेंस को यूज़ करते हैं, एंड गूगल एडसेंस के अलावा और भी बहुत सारे एड नेटवर्क्स हैं जो हमें एड्स प्रोवाइड करते हैं। वो एड्स हम अपने वेबसाइट में लगाते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर जितनी हमारी ट्रैफिक होती है, हमारी ट्रैफिक के हिसाब से फिर हमें अर्निंग होती है। लेकिन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, ये सिस्टम डिफरेंट है। ये यूज़ करने से आपकी अर्निंग डबल हो जाती है, ठीक है। आप एडसेंस यूज़ कर रहे हो या एडसेंस के अलावा एडस्टीरा है, प्रोपेलर है, और भी बहुत सारे एड नेटवर्क्स है, media.net भी है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप ये जो सिस्टम मैंने, ये जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप ये भी कर सकते हैं। अब इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ प्रूफ शेयर करूँगा, लेकिन प्रूफ शेयर करने से पहले जो न्यू व्यूअर्स है उनको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि ये है क्या। जिन लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी उनको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ ताकि उनको समझ तो आ सके कि भाई ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि आप अपने वेबसाइट पर, जैसे ये मेरा वेबसाइट है, तो आपके पास अपना एक ब्लॉग होगा, वेबसाइट होगा, तो इस पर एक तो आप एडसेंस की एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हो, या कोई और एड नेटवर्क है जैसे मैंने पहले भी कहा, और एक आप यहाँ पर बैकलिंक सेल कर सकते हो, आप टारगेटेड एड्स लगा सकते हो, आप आर्टिकल सेल कर सकते हो, और इसके लिए आपको हर एक चीज़ के लिए फिक्स प्राइस मिलेगा, आपको फिक्स अमाउंट मिलेगी। यानी कि अगर आपको बैकलिंक लगाने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने वेबसाइट में ये लिंक ऐड कर दो, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो भाई आगे मैं प्रूफ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है, इसमें आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए, बैकलिंक के लिए अलग प्राइस मिलेगी, आपकी ट्रैफिक के हिसाब से, आपकी वेबसाइट के हिसाब से, स्टार्टिंग में ही ये वेबसाइट आपको बता देगी कि आपकी कितनी अर्निंग होगी। अब इस वीडियो में मैंने आपको फुल गाइड किया था सबसे पहले, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, मैंने तो आपको क्लियर कर भी दिया, बट अभी भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और वेबसाइट को कैसे ऐड करना है तो आप ये वीडियो देख ले। जिन लोगों ने नहीं देखी, लिंक मैं आई बटन पर भी शो कर रहा हूँ, और जो वीडियो आप अभी देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन को आप कुछ इस तरह से ओपन करो तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ और ये सारा सिस्टम मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना ये वाला वेबसाइट ऐड कर दिया था और ये कहा था कि भाई प्रूफ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है ना वो होती तो लेट है, लेट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, 3-4 दिन के बाद वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन काम की वीडियो होती है, बट फिर भी आप लोग नहीं देखते हो, भाई इससे आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। अगर एड नेटवर्क से अर्निंग कम हो रही है तो साथ में आप ये भी यूज़ कर लो, ये यहाँ पर देखिए भाई आपको $100 भी मिल सकता है। अभी मुझे इतने नहीं मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, लेकिन अभी मैं देखो भाई ये वीडियो मैंने 16 मार्च को अपलोड की थी और अब ये वाली वीडियो मैं 25 को कर रहा हूँ, यानी कि 8 दिन के बाद मुझे यहाँ पे काम मिल गया। तो ये नहीं है कि जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो आपको काम मिल जाएगा। आ जाते हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों का बताऊँगा आपको। तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मैग्नेट या जो भी आप इसको कहते हो, मैं इसको magnet.com कहता हूँ। तो यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आर यू स्टिल लूजिंग 50 a day। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप टारगेटेड एड्स अपने वेबसाइट में लगाओ और अर्निंग करो, यहाँ पे जितनी चाहो उतनी अर्निंग करो। और इनके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे पब्लिशर्स है, ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है। ये नहीं है कि भाई बस आपको साइन अप करना है, सबमिट करना है वेबसाइट और मनी लेना है। कैसे वेबसाइट सबमिट करना है, ऑलरेडी उस पर मैं ये वाली वीडियो बना चुका हूँ। मेरे कंप्यूटर को पता नहीं क्या हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो पता नहीं इसको क्या हो गया है, ठीक है, बहुत स्लो हो गया है कुछ दिनों से, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो भाई जो वीडियो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई, वीडियो की स्टार्टिंग में ही, तो उसी वीडियो को आप पहले देख लो, आप समझ जाओगे। अब तो मैं जस्ट आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो दूसरा मैंने यहाँ पर अपना वेबसाइट ऐड कर दिया था, इससे मुझे अर्निंग हुई है। तो अब यार थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, ये ठीक हो जाए तो आगे मैं बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये वेबसाइट ऐड कर दिया था, ठीक है, ये वाला वेबसाइट मैंने ऐड कर दिया था, trustedadnetworks.com, एंड 8 दिन के बाद यहाँ पर मुझे जो है बैकलिंक मिल गया है। अब मुझे यहाँ पर बैकलिंक मिला है और उसकी प्राइस भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। भाई मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जब आप ये वाली वीडियो देख लोगे ना तो फिर आप समझ जाओगे, तो मुझे ये कमेंट मत करना कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले ही मैंने बता दिया कि बैकलिंक सेल करते हैं, आर्टिकल्स ये हम अपनी वेबसाइट पर सेल करते हैं, और ये जो वेबसाइट है magnet.com, ये इनके पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बैकलिंक चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, जिनको गेस्ट पोस्टिंग करनी है, जिनको टारगेटेड एड्स प्लेस करने हैं आपकी वेबसाइट में, तो वो इनके पास बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने अकाउंट बनाई नहीं है तो पहले आप अकाउंट बना लो, और ये वीडियो जो है इसमें बताया है आपको, ठीक है, कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर देखिए एड्स पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपकी एड्स आपको दिखाएगा, आपके आर्टिकल्स, आपके बैकलिंक, सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपके पास इस वक्त कितने सारे ऑर्डर्स हैं। जैसे भाई अगर आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना है, फाइवर और अपवर्क, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, freelancer.com, तो उसी की तरह यहाँ पर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है, और वो ऑर्डर्स आर्टिकल्स होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं, और वो बैकलिंक्स आर्टिकल्स आपको अपनी वेबसाइट में प्लेस करने हैं, ठीक है, ऐड करने हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं ये वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पर है, तो वर्डप्रेस में आपके प्लगइन्स आते हैं, वो प्लगइन्स जब आप ऐड कर
कर दोगे तो फिर आपको ये अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा ये ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर बैकलिंक है तो बैकलिंक भी ऐड कर देगा, अगर आर्टिकल है तो वो भी पब्लिश कर देगा, या फिर अगर टारगेटेड कोई बैनर ऐड है तो वो भी प्लेस कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आपको अपना बस बैलेंस कंट्रोल करना है या से विड्रॉ वगैरह आपको लेना है। बट अगर ब्लॉगर है तो ब्लॉगर में मैनुअली करना पड़ेगा। अभी ये इसलिए मैंने ब्लॉगर को ओपन किया है कि आपको मैनुअली दिखाता हूँ। अब मैं एड्स के सेक्शन में आया तो आर्टिकल मेरे पास जीरो है, मुझे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जो वेबसाइट मैंने ऐड किया है इस पर ट्रैफिक भी अच्छी नहीं है और मैंने इस पर काम भी नहीं किया, जस्ट 11 आर्टिकल्स है इस पर, ठीक है। तो इस पर जो मेरी यहाँ पे कुछ SB करके एक सिस्टम होता है, SB रैंक, सो इस हिसाब से यहाँ पे अर्निंग होती है और ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मेरा जो है यहाँ पे SB रैंक 1 के अंदर आया है और ये मुझे एक बैकलिंक मिला है। इस बैकलिंक की जो मुझे यहाँ पे प्राइस मिली है, यानी कि ये जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंटली जब ये यहाँ पे कर देंगे, ये देखे वेटिंग फॉर प्लेसमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखे ऑटो है, यहाँ पे ऑटो शो कर रहे हैं, देखें ये जो बैकलिंक है ये ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और ऐड होने के बाद जैसे ये डिडक्ट कर लेंगे तो ये अमाउंट मेरे बैलेंस में यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, $0.22। ये मेरी वेबसाइट और मेरी ट्रैफिक के हिसाब से, मेरी SB रैंक के हिसाब से ये मुझे मिली है। आपको $22, आपको $200, आपको $300 भी मिल सकते हैं ट्रैफिक के हिसाब से हैं भाई। और मूवी डाउनलोडिंग साइट है, जो भी आपके पास है आप बस उसको ऐड करें। मूवी डाउनलोडिंग में सबसे ज़्यादा अर्निंग आपको होगी क्योंकि वहाँ पर जो बिट टाइप की वेबसाइट होते हैं, क्रिप्टो और जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होती है, वो ज़्यादा बैकलिंक्स वहाँ पर ऐड होते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखें ये एक टैग दिया गया, एक कोड दिया गया है, ये देखें ये आपने इसको कॉपी करना है अगर आप ब्लॉगर को यूज़ कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज में जाना है अगर आपको बैकलिंक मिला है। जैसे ये मेरा बैकलिंक मुझे मिला है, जो बैनर ऐड होता है वो तो इजी है, आप ऐड कर लोगे। जैसे आप एडसेंस की ऐड करते हो, यहाँ पर आपको HTML कोड मिल जाएगी, आप HT रखा करते हो तो वो सिस्टम है। ये जो बैकलिंक होता है, अब यहाँ पर जो मुझे मिला है ये बैकलिंक है, मैंने ये यहाँ पर एक टेक्स्ट को कॉपी किया, ठीक है, गेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। आपने अपने किसी भी लेटेस्ट आर्टिकल में या जो भी आपका आर्टिकल है उसमें आपको जाना है, इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको पहले विजिट कर लो, विजिट जब आप कर लोगे तो ये आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी बोल रहा है कि आप इसको वेरीफाई कर ले, नहीं करूँगा अभी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो खैर यहाँ पे इसमें कैप्चा भी आ गया, ठीक है, आगे जब आप इसको कर दोगे तो आगे जब ये लिंक ओपन हो जाएगा, इस लिंक को आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है वर्डप्रेस में भी। वर्डप्रेस में अगर आपने जो प्लगइन्स है वो अगर आपने इंस्टॉल किए हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अगर नहीं किए हैं तो आप मैनुअली कर दोगे। ये देखें मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखें बैकलिंक ऐड हो गया, ठीक है, बस इतना ही काम। अब एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ आपको इसके बदले में $0.22 मिलेंगे, हर मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको एक मंथ में यहाँ पर 100 ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी कि 100 लिंक्स, बैकलिंक्स आपको मिल गए, एड्स को तो छोड़ो, एड्स की ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है, और आपको आर्टिकल्स की भी ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है, मैं सिर्फ बैकलिंक्स की बात कर रहा हूँ। अगर 100 बैकलिंक्स होते हैं ना, सो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि आप कितनी मंथली अर्निंग कर सकते हो। अब मेरी यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपको आगे जो है शेयर करता जाऊँगा, जैसे ही मेरे पास $10-$20 हो जाएंगे या जितने भी मेरे पास हो जाएंगे तो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा कि भाई ये मुझे यहाँ पे अर्निंग हुई है। तो आप मान के चले कि यार चलो 3-3 आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक पर आपको 0.22 की अर्निंग होगी। तो अगर आप इस हिसाब से अभी सिर्फ 100 की, अगर आप 100 लेते हैं ना, तब भी आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी, सिर्फ 100 की मैं बात कर रहा हूँ बाकी। हालांकि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो उन्होंने बताया है इनके पास जो पब्लिशर्स है वो $1,000 यहाँ से अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। और ये कब एंड होगा, ये देखिए इस डेट को ये खत्म हो जाएगा, और फिर अगर इन्होंने दोबारा करना है तो दोबारा ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इतनी अमाउंट आपकी अकाउंट में बैलेंस ऐड होता जाएगा लाइफ टाइम तक, जब तक ये जो एडमिन है इस बैकलिंक का वो ना चाहे तब तक जो है आपको ये मिलता जाएगा। अगर आपको ये ऑफर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे कम प्राइस मंथली पी जो है वो कम मिल रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। मेरा तो यहाँ पे ऑटो है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मैं ऑलरेडी एडेड साइट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप साइट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी इस वेबसाइट को ऐड किया है, उसमें कितने लिस्ट शो कर रहे हैं 1/1, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक है। मैंने आर्टिकल भी इंस्टॉल किया हुआ है, वर्जन 1.0.11 है, ठीक है, और ये भी मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप ये वाली वीडियो देख लोगे आप समझ जाओगे। यहाँ पर आप जैसे ही वेबसाइट ऐड कर लेते हो तो आपकी यहाँ पर एक फी पैटर्न्स बनती है, ठीक है, योर फी पैटर्न्स, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको आपकी फी बताई जाती है कि अगर आपकी वेबसाइट की रैंक जो है वो 1 है तो आपको बैकलिंक के लिए इतनी अमाउंट मिलेगी, आर्टिकल के लिए इतनी मिलेगी। अगर रैंक 10 है तो 10 में आप चेक करें, $40 ऑलमोस्ट आपको एक बैकलिंक के लिए मिलेंगे और $336 आपको एक आर्टिकल के लिए मिलेंगे, भाई कोई मजाक नहीं है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट का SB रैंक क्या है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे SB रैंक में, यहीं पर कहीं पर भी आपको ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। SB रैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इन्होंने बताया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी SB रैंक क्या है, ठीक है, और वो मैं इस वीडियो में बता भी चुका हूँ, ठीक है, इस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक टूल है इनका, स्कैन बैकलिंक्स टूल, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको बता देगा मेरा जो रैंक है यहाँ पर वो 2 है, 2 और 3,
थ्री, ठीक है, यहाँ तक मेरा है, तो इसके बीच में मुझे मिलते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो है मुझे यहाँ पे बैकलिंग्स और ये सब कुछ, जैसे अभी मुझे $0.22 यानी कि हाई अमाउंट मिली है, हालांकि यहाँ पे देखें यहाँ तक जो है इतनी है, तो मुझे जो यहाँ पे मिली है वो SB1 के अंदर है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा अमाउंट दी है क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है वो इनके जो बैकलिंग के लिए वो फिट है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दोगे और जैसे आप चेक पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको बता देगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है, आपको वो वाली वीडियो भी वॉच करनी है, बाकी भाई प्रूफ मैंने दिखा दी आपको, कोई मजाक नहीं है, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो ये देखिए इसका रैंक, देखिए SB रैंक जो है वो 2 है, ठीक है, और डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी आप चेक कर सकते हैं इतनी है, ठीक है। तो भाई इस तरह से जो है आप magnet.com से अर्निंग कर सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम पे आउट $30 है, जैसे आपके पास हो जाते हैं तो आप यहाँ से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, और काफ़ी बेस्ट, सॉरी यहाँ पे $60 है, मैं बताना भूल गया, ठीक है, 30 नहीं यहाँ पे $60 है, जैसे आपके पास ये हो जाता है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको टेस्ट करोगे और इंशाल्लाह आपको इससे अर्निंग होगी, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।